ऊना के थाना कलां में पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कृषि व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। शिविर में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 27 किसानों को कृषि बकरी पालन योजना के अंतर्गत बिट्टल नस्ल की बकरियां भी वितरित की। सरकार द्वारा इस योजना के तहत कृषकों को बकरी पालन के लिए 95% उपदान दिया जाता है, जबकि 5% राशि ही किसान स्वयं वहन करता है। यही नहीं, सरकार द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहन के लिए बकरी वितरण के साथ साथ बकरियों का 3 साल का निःशुल्क बीमा भी किया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी घटना होने पर कृषकों को इसका लाभ मिल सके। जिला ऊना के लिए बकरियों के 423 यूनिट आवंटित हुए हैं। शीघ्र ही बाकी बची हुई यूनिट जिला के कृषकों को वितरित कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मार्केट में बकरी के दूध की अच्छी मांग है और दूसरे दुधारू पशुओं की तुलना में बकरी का दूध काफ़ी ऊंचे दाम में बिकता है। उन्होंने इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा बताया। उन्होंने कहा कि बकरी के दूध उत्पादकों को पैकिंग करके विपणन करने के लिए बाजार तैयार किया गया है। इससे किसानों को दूध व उससे बनने वाले उत्पादों का मार्केट में अच्छा मूल्य भी मिलेगा तथा किसानों की आजीविका भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री कृषक बकरी पालन योजना जो प्रदेश की सरकार ने आरम्भ की है और इसी के अंतर्गत जो है तो किसानों को 11 का यूनिट 10+1 का यूनिट जो है वो आज उसका वितरण हुआ। ऐसे 27 यूनिट्स जो है वो आज किसानों को दिए गए, जो 95% उपदान सब्सिडी जो है वो किसानों को दी है। हमने पहले भी यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे 70 किसानों को ऐसे ही यूनिट्स जो वितरित किए हैं, जो किसानों की एक आजीविका का साधन बना है। और मैं ये समझता हूँ कि इस ये जो आगे जो वितरण हो रहा है, हम आने वाले समय में इनकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाएंगे, इसकी वैल्यू एडिशंस भी करेंगे कि इनकी जो दूध है उससे चीज़ बने और दूध को टेट्रा पैक में जो है वो डाल करके जो है उसकी मार्केटिंग करें, ताकि किसानों की आय जो है वो बढ़े। और ऐसा प्रयोग हम हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर जो है वो अलग अलग नस्ल की जो है वो बकरी है उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है वो की जा रही है। इसके जोड़ के बजट का प्रावधान इस पर हमने इसमें रखा है और 20 करोड़ की बकरी को जो है वो हम करेंगे।